भीतरी ताकत पाठ प्रवेश। दुनिया को सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। खुशियां बांटने से और अधिक खुशियां मिलती हैं। कुछ लोगों की अनुचित हरकतें किसी के जीवन को तहस नहस कर देती हैं। विकलांग अरुण ने धैर्य, संयम, साहस और भीतरी ताकत से असंभव को भी संभव कर दिखाया। 8 साल की उम्र में अरुण के साथ एक हादसा हुआ। रविवार को सुबह सुबह वह कॉलोनी के मैदान में खेलने निकला, लेकिन अभी वहां कोई बच्चा नहीं आया था। उसे एक तरफ फुटबॉल पड़ी दिखाई दी। उसे लगा कि यह जरूर 11 नंबर वाले मोहन की होगी। उसने उसे पैर से धकेला तो बॉल पास में पड़े पत्थर से टकराते हुए जोर के धमाके से फट गई। अरुण के पैरों का निचला हिस्सा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। कई साल के इलाज के बाद भी उसके पैरों में जान नहीं आ पाई थी। अब अरुण ने अपने इन्हीं पैरों के साथ जीना सीख लिया था। वह बहुत हिम्मत वाला लड़का था। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी, पर अब 12 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करता है। वह माँ का दुलारा, पापा का प्यारा, दादी की आंखों का तारा और छोटी बहन मीनू का सुपर सितारा है। वह अपने कामों के लिए परिवार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सबके कामों में हाथ बटाता है। दादी कहती, आओ अरुण, जरा अखबार पढ़कर सुनाओ। माँ कहती, अरुण जरा मेज लगाने में मेरी मदद करो। पापा की किताबों और फाइलों को सहेज कर रखना उसका ही काम है। घर वाले भी उसे एहसास दिलाना चाहते थे कि वह बहुत हिम्मती है और हर काम कर सकता है। वह अपनी पहिए वाली कुर्सी को इधर उधर धकेलता हुआ कहीं भी पहुंच जाता है। स्कूल जाने में उसे शुरू में घबराहट होती थी। वह बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था, पर शीघ्र ही उसने अपनी भीतरी ताकत को सक्रिय कर लिया था। उसके इरादों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई थी। वह जिस जिंदा दिली और परिश्रम से जीवन जी रहा था, वह प्रशंसा के योग्य था। एक दिन अरुण की 3 वर्षीय छोटी बहन मीनू चित्रों में रंग भर रही थी। अरुण पास में बैठा उसे देख रहा था। माँ किसी काम से पड़ोस में गई थी और घर का दरवाजा खुला हुआ था। अचानक मुंह पर कपड़ा बांधे एक आदमी घर में घुसा और मीनू को गोद में उठाकर बाहर की ओर भागने लगा। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि पास में बैठी दादी के होश उड़ गए। वह जोर जोर से चिल्लाना चाहती थीं, पर उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अरुण का खून खौल उठा। उसने अपनी पहियों वाली कुर्सी को धकेलते हुए सीधे उस आदमी के ऊपर छलांग लगा दी। वह आदमी धक्के के लिए तैयार नहीं था। अरुण उसके हाथ से मीनू को अलग करने में सफल हो गया। यह दृश्य देखकर सबने दांतों तले अंगुली दबा ली। शोर सुनकर सामने के घर से पड़ोसियों के साथ मां निकले। चोर कूदकर भागना चाहता था, पर अरुण ने कुर्सी धकेलकर उसे दबोच लिया। पड़ोसी अंकल ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सबने अरुण की होशियारी और जिंदा दिली की प्रशंसा की। पास खड़े सब लोगों ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। उसकी आंखों से पानी की धारा बह रही थी, पर मन खुशी से झूम उठा था। इस घटना ने सबको अचंभित कर दिया था। क्या ऐसा भी हो सकता है? विकलांग अरुण ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। हाँ, हो सकता है। यदि मन में सकारात्मकता तथा कुछ करने का जोश हो, तब कुछ भी काम करेंगे तो सफल ही होंगे। निराश होकर कुछ भी नहीं होता। धैर्य, दृढ़ता, संयम और साहस से सब कुछ संभव हो सकता है।